Hello students, in this session we are going to continue with exercise number 15.1. In that we will continue question number 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of diamonds. स्टूडेंट हियर व्हाट वी हैव गिवन इज हमें 52 कार्ड का एक डेक दिया हुआ है जिसमें से हमें एक कार्ड निकालना है. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमने जो कार्ड निकाला है वो रेड कलर का किंग हो, एक फेस कार्ड हो, या तो रेड फेस कार्ड हो, या तो जैक ऑफ हार्ट हो, या तो स्पेड हो, या तो फिर डायमंड की क्वीन हो. ये छः अलग अलग क्वेश्चंस की हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट वर्किंग विद दिस. बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हम पहले हमारा जो 52 कार्ड का जो डेक है उसे एक बार समझ लेते हैं. 52 कार्ड के डेक के अंदर चार अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं. एक होते हैं क्लब्स, डायमंड्स, हार्ट्स और स्पेड्स. क्लब में एस, डायमंड का एस, हार्ट का एस और स्पेड का एस, इस तरह से हमारे पास 52 कार्ड्स में चार जो है वो एस होते हैं, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में इक्के कहते हैं. ठीक है, फिर 2 से लेके 10 तक के कार्ड्स होते हैं चारों डेक के. क्लब के 2 से लेके 10 तक, फिर डायमंड के 2 से लेके 10 तक, फिर हार्ट के 2 से लेके 10 तक और स्पेड के 2 से लेके 10 तक. ठीक है, फिर देन वी हैव अ जैक, जैक ऑफ ऑल द फोर काइंड ऑफ, क्लब का जैक, डायमंड का जैक, हार्ट का जैक और स्पेड का जैक. इसी तरह से चार क्वीन होते हैं और चार जो है वो किंग होते हैं. ठीक है, अब इन सभी को फेस कार्ड कहा जाता है. ठीक है, मतलब पूरे डेक में 12 जो है वो फेस कार्ड होते हैं. फिर इन सभी को नंबर कार्ड्स कहा जाता है. दैट मीन्स ये सारे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 4 36 36 होते हैं हमारे पास नंबर कार्ड्स और चार जो है वो होते हैं हमारे पास इक्के. ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा डेक ऑफ 52 कार्ड्स. क्लियर, अब हमें जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है उनको सॉल्व करेंगे और वो हम करेंगे बुक के अंदर. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 14. अब इस क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है कि अगर हमने कार्ड निकाला तो वो रेड कलर का किंग मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो फर्स्ट वन इज अ कार्ड शुड बी अ किंग ऑफ रेड कलर. चल, अब सबसे पहले मैंने आपको अभी समझाया कि हमारे पास रेड कलर में दो तरह के कार्ड्स होते हैं, एक होते हैं रेड कलर के हार्ट और एक होते हैं रेड कलर के डायमंड्स. तो दोनों में एक एक किंग होगा, मतलब इस इवेंट के हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट आर कितने हो जाएंगे, दो. एक हार्ट का रेड और एक डायमंड का रेड, दोनों में रेड कलर है. सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट आर 2. अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स है 2 और टोटल आउटकम्स वी नो दैट वी हैव 52. अब 52 और 2 दोनों को डिवाइड किया जा सकता है और 52 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 26. दैट मीन्स न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 26. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज 1/26. क्लियर, इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टेकन आउट इज अ फेस कार्ड. तो स्टूडेंट एज आई एक्सप्लेन, इस पूरे डेक के अंदर 12 फेस कार्ड होते हैं, चार जैक, चार क्वीन और चार किंग. ठीक है, तो
इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट आर 12, ठीक है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड दैट विल बी न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स जो कि 12 है और डिनोमिनेटर में 52. अब 12 मतलब 4 थ्रीज़ा और 52 मतलब 13 फोर्ज़ा. तो 4 और 4 कट, प्रोबेबिलिटी विल बी 3/13. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हमारा निकाला हुआ कार्ड जो है वो रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए. अब रेड कलर के हार्ट भी है और रेड कलर के डायमंड भी है, ठीक है. अब फेस कार्ड मतलब जैक, हार्ट का भी एक जैक होगा और डायमंड का भी एक जैक होगा. फिर क्वीन, हार्ट की भी एक क्वीन होगी और डायमंड की भी एक क्वीन होगी. और फिर किंग, हार्ट का भी एक किंग होगा और डायमंड का भी एक किंग होगा, ठीक है. मतलब अगर हमें रेड कलर के फेस कार्ड चाहिए तो कितने मिल सकते हैं? 6 मिल सकते हैं, ठीक है. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट आर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 हो गए. अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड एंड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इन रिड्यूस करो, 3 2s और 26 2s, 2 एंड 2 विल गेट कैंसल्ड. सो द आंसर इज 3/26. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वी हैड टेकन आउट इज द जैक ऑफ हार्ट, ठीक है. अब हार्ट में जैक कितने होंगे? एक ही होगा ना, ठीक है. दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट इज इक्वल टू 1. जैक में हार्ट में सिर्फ एक ही जैक होगा डेफिनेटली, तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स एक ही हो गया. अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट. न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स जो कि 1 है और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स जो कि 52 है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट इज 1/52. क्लियर. ओके, नेक्स्ट इज गेटिंग अ स्पेड. देखो स्पेड में जो है टोटल 13 कार्ड्स होते हैं. एक होता है एस, फिर नंबर कार्ड्स होते हैं 9 और फेस कार्ड्स होते हैं 3. तो मतलब 9 + 3 = 12 + 1 = 13. तो अगर हमें स्पेड चाहिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट विल बी इक्वल टू 30, ठीक है. नाउ अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? स्पेड आने की. तो स्पेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 13 विल बी इन द न्यूमरेटर एंड 52 विल बी इन द डिनोमिनेटर. 13 1s और 13 4s, 13 13 कैंसल, व्हाट वी हैव इज 1/4. क्लियर. नेक्स्ट द क्वीन ऑफ अ डायमंड. डायमंड के डेक के अंदर एक ही क्वीन होगी, ठीक है. तो इसके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड विल बी 1/52.
Is that clear?